मेरे नौजवान साथी कालाकोट सुंदरबनी से आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार हमारे नौजवान और होनहार यशु, हमारे सीनियर साथी डीडीसी डोंगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सबसे सीनियर साथी और लीडर जनाब विपिन पाल शर्मा साहब, कालाकोट म्युनिसिपैलिटी के साबिक प्रेसिडेंट जनाब विजय सूरी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब प्रोफेसर वकार साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आए हुए तमाम अहदेदारान इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों आप सबको मेरे तरफ से आदाब अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। कभी कभी यकीन नहीं होता कि 10 साल का अरसा गुजर गया है जबकि मैं यहीं पर खड़े होके 2014 में अपने साथी और यशु के वालिद साहब के लिए यहां खड़े होके वोट मांग रहा था। रशपाल सिंह साहब ने उस वक्त तो सिर्फ कालाकोट था, कालाकोट की खिदमत की, कालाकोट के लोगों की नुमाइंदगी की और जब तक वो यहाँ थे हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि आपके लिए बात कौन करेगा, कौन लड़ेगा, कौन आपके हकूक जो है हासिल करेगा, क्योंकि हमें मालूम था कि रशपाल के रहते रहते आपकी आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं होगी, रशपाल के रहते रहते आपके हकूक के लिए जो है आवाज़ उठाई जाएगी और आपके काम होते रहेंगे। लेकिन भगवान को उनका और हमारे दरमियान रहना जो है कबूल नहीं था। कल उनके यहाँ हमारे बीच में से जाने का चौथा साल जो है वो मुकम्मल होगा, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे दरमियान है। और यशु को उनके कदमों पे चलते हुए उनका मिशन पूरा करने की कोशिश करते हुए आज मुझे कम से कम इस बात का एहसास है कि कालाकोट सुंदरबनी के लोग जो हैं आप अकेले नहीं होंगे, आपके मुतालबे जो हैं आपके मुतालबे मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात मुश्किलात नहीं रहेंगे। यशु इनकी तमाम टीम इनके साथी जो हैं दिन रात मेहनत करके आपकी नुमाइंदगी आपकी खिदमत और आपके मुतालबे जो हैं वो हल करके रहेंगे। इस 10 साल के अरसे में जहां 4 साल पहले हमें रशपाल को खोया उस बात का तो हमें दुख है एहसास है, लेकिन इस 10 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर ने भी बहुत कुछ खोया। जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर रहा नहीं जो जम्मू कश्मीर इससे 10 साल पहले था। जम्मू कश्मीर के नक्शे को देखें वो नक्शा नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता बाकी मुल्क के साथ था वो रिश्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी वो रियासत नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ था, आज लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं है। और इसके बरक्स हमें बहुत कुछ कहा गया था, बहुत वादे किए गए थे, बहुत यकीन दिलाए गए थे हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट अगर है तो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बच्चों के रोजगार में अगर कोई रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने में अगर रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमें साफ पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि 370 है। हमें कहा गया था कि यहाँ ये माइन चल नहीं सकता क्योंकि 370 के वजह से कोई और यहाँ आके इस पे काम करना नहीं चाहता। हमें कहा गया था कि कालाकोट सुंदरबनी में नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती, नए नए उद्योगपति आते,
टाटा बिरला जैसे लोग आके यहाँ फैक्ट्री लगाते, लेकिन उनके काम में रुकावट सिर्फ ये 370 है। 5 अगस्त 2019 को आखिरकार बीजेपी ने यहाँ से 370 हटाया। चलिए किया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ, क्या मिला? अगर कि 370 इन सब चीजों में एक रुकावट के तौर पे बनी हुई थी, इसको हटाने के बाद अगर वो रुकावट हटाई गई, तो खुदारा हमें बताइए ना, काला कोट सुंदरबनी के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या तरक्की हासिल की? बेरोजगार नौजवान आज भी बेरोजगार, हमारे डेली वेजर आज भी डेली वेजर, हमारे आशा वर्कर आज भी आशा वर्कर, हमारे स्कूलों में जो खाना बनाने का काम करते हैं मिड डे मील की स्कीम के तहत, जिनको महीने के सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं, वो 1000 रुपए भी वक्त पे नहीं मिलते, कभी 6 महीने 8 महीने उनको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके इनको पैसे मिलते हैं। हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को अभी भी जंगलों पे जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिलता। आज बिजली का निजाम जो है वो आपके सामने है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं। यहाँ सुंदरबनी के लोगों ने अपने लिए असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी थी, ठीक है ना, हम उस हद तक जा नहीं सके थे अपनी हुकूमत में। हमने तहसीलें दी, हमने नियाबत बनाए, हमने ब्लॉक बनाए, हमने और काम किए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की ताकत हमारे पास थी नहीं। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं, खुदारा इनसे पूछिए ना, ताकत तो इनके पास थी, हुकूमत दिल्ली में इनकी थी, डिलिमिटेशन कमीशन इनके हाथों बनी, आखिरकार मसला इससे हल नहीं होता कि आपने सुंदरबनी को नौशहरा से अलग करके कालाकोट के साथ जोड़ दिया तो सुंदरबनी के मसले हल हो गए, कहाँ हुए? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह ठाकुर साहब ने, यशु ने अपनी तकरीरों में आपको कहा, 2024 में 26 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है बिठाई जाएगी, और उस वक्त इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम सुंदरबनी को अपना असेंबली हल्का दे देंगे, ताकि आपका अपना एमएलए हो, आपका अपना नुमाइंदा हो और आपके मुतालबे हल हो। लेकिन तब तक मैं सुंदरबनी के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप इस नौजवान को यहाँ से जितवा के कामयाब करें, ये दिन रात सुंदरबनी के लोगों की मेहनत करके आपके मुश्किलात और आपके मुतालबे हल करेगा, क्योंकि मुतालबों की कमी नहीं है, परेशानियों की कमी नहीं है। यहाँ रोजगार के हवाले से बात हुई, मुझे वो दिन याद है जब हमारी हुकूमत थी, जब हम इन दूर दराज इलाकों में इसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस के डीजी साहब को भेजा करते थे, डीजी साहब के तरफ से वहाँ स्पेशल भर्ती का कैंप लगता था, नौजवानों की जो है लाइन लगती थी वहाँ पे, अगर उनका छाती बराबर कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे जो है दस्तखत करके नौजवानों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। आज 10 साल का अरसा हो गया, बताएं मुझे आप, कालाकोट सुंदरबनी में कहीं पे डीजी साहब के तरफ से रिक्रूटमेंट का सिलसिला रहा? यहाँ कालाकोट सुंदरबनी से लोग फौज में जाते थे, इन बीजेपी वालों के जरिए जो अग्निवीर का स्कीम बना, उस अग्निवीर के तहत आज नौजवान फौज में जाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो सिलसिला भी बंद। सरकारी मुलाजमत के लिस्ट आज निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो उनमें धांधली का इल्जाम होता है, इल्जाम के बाद उन लिस्टों को रद्द किया जाता है और मेरे नौजवान जो है बेरोजगार रह जाते हैं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों से यशु कामयाब हुआ, अगर आपकी दुआओं से प्रार्थनाओं से 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, तो हम पहले महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 1 लाख सरकारी मुलाजिम जो है लगाने का काम करेंगे। हम दोबारा इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम शुरू करेंगे। यहाँ तालीम के हवाले से बात हुई, अरे वो दौर था जब विरासत में हमें
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के बच्चों बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निज़ाम रखा था। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है मुफ्त तालीम हासिल करते थे। इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल के अरसे में इसको तहस नहस किया। हमने अपने मंशूर में अपने बच्चों से अपने बेटियों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक दोबारा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। इसी तरह बिजली को लेके आपकी शिकायतें रहती हैं कि बिजली का निज़ाम ख़राब है। यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। और जब ठाकुर रशपाल सिंह साहब मेरे साथ थे, जब वो आपके एमएलए थे, जब वो यहाँ किसान बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त बिजली के बिल 200, 250, 300 रुपए से ज़्यादा महीने का बिजली का बिल होता नहीं था। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिजली का बिल 1700-1800 रुपए, उससे कम बिजली बिल आता नहीं है। महंगाई के वजह से लोगों की कमरें टूटी हैं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस बिजली का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है वो कम हो जाए। इसी तरह हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि आपके घर में चूल्हे जले। हमने आपसे वादा किया है कि हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल और चीनी जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे। हम राशन का स्केल बढ़ाएंगे। जो मैंने गुजर बकरवाल भाइयों के हवाले से बात की थी, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक होना चाहिए था। इन बीजेपी वालों को ने आप लोगों को इन हकूक से महरूम रखा। हमारी हुकूमत बनेगी तो इन जंगलों पे सबसे पहला हक आप लोगों का होगा, फिर किसी और का होगा। इसी तरह हमारे मंशूर में कई और बातें हैं जो हमें लगता है आपके रोज़मर्रा के मुतालबे और मुश्किलात जो हैं उनसे हल होंगे। चाहे वो डेली वेजर को रेगुलराइज करने का हो, परमानेंट करने का हो, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप सुबह से इस तड़पती हुई धूप में बैठे हुए हो, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका और लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, मेहरबानी करके अपने वोट का जो है आप सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को तकसीम ना होने दें। इन बीजेपी वालों ने यशु के घर को तकसीम किया हुआ है इस गर्ज के साथ कि आपके वोट तकसीम हो जाए। जो बीजेपी वाले हमेशा हमारे ऊपर खानदानी राज का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो बताएं ना, कालाकोट सुंदरबनी में जब उनको उम्मीदवार ढूंढना पड़ा तो ना रशपाल सिंह के खानदान के अलावा उनको कोई नज़र नहीं आया। इसी से पता चलता है कि यशु और इनके खानदान ने आपकी कितनी खिदमत की है और आगे जाके कितनी खिदमत और करेंगे। ये बीजेपी वाले सिर्फ तबाही और बर्बादी लेके आए हैं। जम्मू के हालात देखिए, कश्मीर छोड़िए, हम जम्मू की ही बात करें। 2014 से पहले हमने जम्मू पूरे जो सूबा है इसको हमने आतंकवाद से मुक्त किया था। शायद ही कोई इलाका है जम्मू का जहाँ पे 2014 के पहले हमले जो है हो रहे थे। आज जम्मू का हाल देखिए, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कालाकोट सुंदरबनी हो, नौशेरा हो, रियासी हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, कठुआ हो, हर हफ्ते कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं मिलिटेंसी से जो है हमारे बहादुर फौजी जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये इनकी काबिलियत का सबूत है। जो कहते हैं कि हम मिलिटेंसी का मुकाबला करेंगे, अरे जनाब, इन पिछले 10 सालों में मिलिटेंसी को नया जन्म तो आपके दौर में जम्मू में मिला है। इस बात का तो कम से कम आप जवाब दे दीजिए। ये बीजेपी वाले जब कैंपेन करते हैं कहते हैं डबल इंजन सरकार लाओ। आपने अक्सर सुना होगा कि डबल इंजन सरकार में तरक्की और होती है। डबल इंजन का मतलब मुल्क के वजीर आजम,
और रियासत के वजीर आला। हमें तो जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए इनका डबल इंजन देखते हुए, 10 साल हो गए डबल इंजन। आप दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम, और यहाँ पिछले 10 साल में महबूबा मुफ्ती साहिबा वजीर आला थी इनके साथ मिलके। 18 में जब इनकी हुकूमत गई उसके बाद राजभवन के जरिए इन्होंने यहाँ हुकूमत की, थे नुमाइंदे बीजेपी के, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हो, चाहे वो मुर्मू साहब हो, या चाहे हमारे अभी के मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, किसी ना किसी रूप में यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने डबल इंजन सरकार देखी। लेकिन खुदारा मुझे बताइए ना, काला कोट सुंदर बनी ने इस डबल इंजन सरकार का एक डबल पैसे का फायदा देखा है क्या? आज माइनों में काम करने वालों को तनख्वाह नहीं, आज सड़क पे प्रोजेक्ट बनता है वहां मुलाजमत का हक नहीं, दरियाओं से रेत निकालने का हक आपको नहीं, पहाड़ से पत्थर तोड़ने का हक आपको नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट बने, चाहे वो सड़क का हो, टनल का हो, बिजली का हो, माइन का हो, कोई भी हो, यहाँ इन प्रोजेक्टों में सबसे पहले मुलाजमत हमारे नौजवानों का हक होगा, फिर बाकियों का। तब जाके हम इस दलदल से जो है अपने आप को निकाल पाएंगे। मुझे इस बात का एहसास भी है और अफसोस भी है कि आप लोग, कई सारे आप में से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मियां अल्ताफ साहब यहाँ आएंगे और आपसे खिताब करेंगे। बदकिस्मती से कसूर मेरा है, मैंने मियां अल्ताफ साहब को कल ज्यादा ही यहाँ रियासी, पुंछ, रजौरी वगैरह घुमाया था, उनकी तबीयत आज थोड़ी नासाज हुई है, लेकिन अल्लाह के फजल से और आपकी दुआओं से जब वो दोबारा सहतियाब होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 8 अक्टूबर को आप यशु को यहाँ से कामयाब करके भेज दीजिए। मियां साहब और मैं यहाँ आके आपका शुक्रिया करेंगे, और आगे का जो हमारा कालाकोट सुंदरबनी के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा नक्शा है, हम किस तरह यशु के जरिए, अपने रमेश्वर सिंह जी के जरिए, अपने बाकी साथियों के जरिए किस तरह हम कालाकोट सुंदरबनी आपके मुतालबे हल करेंगे, आपके मुश्किलात कम करेंगे, इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को मियां साहब के साथ यहाँ मौजूद होके 8 अक्टूबर के बाद आपके साथ मिलके हम दोहराएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश करके यहाँ से निकलूंगा, जो इस खानदान को तकसीम करने की साजिश रचाई गई है यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए, मेहरबानी करके इन साजिशों को आप कामयाब मत होने दें। आप बीजेपी को दिखाइए कि आप खानदान तकसीम कर सकते हो, लेकिन वोट इससे तकसीम नहीं होंगे, वोट इससे पट नहीं जाएंगे। वोट अगर कालाकोट सुंदरबनी से पड़ेंगे तो इस नौजवान उम्मीदवार यशु के लिए पड़ेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम मिलके आपकी खिदमत करेंगे, हम मिलके आपके मुतालबे हल करेंगे। यही मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ। अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। आप सबको इन्हीं इसी बात पर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि काला कोट